एक कर लेने दो अपना, हां तो कर रहे लो वही तो करिश्मा ही है ना। यस यस आयुष्मान या दिस साइड अभी आप लोगों के साथ ही खड़े रहेंगे की तरफ से। मैं माफी चाहता हूं, दे आर माय चाइल्डहुड फ्रेंड्स। लेडीज एंड जेंटलमैन, रोचक कोहली, माय पार्टनर इन क्राइम एंड राइम, साडी गली पानी दा, अब ये वाला ओगिरी, एंड ऑल दीज गाइस आर माय जूनियर फ्रॉम कॉलेज, एंड गौतम शर्मा, तालियां, हरदीप सिंह सेठी, गुरप्रीत सैनी, सिद्धार्थ कौशल, इंदर एंड सिमरन सिंह। To your song was better. Happy birthday वाला जो था, ये तो चलो हो गया। तो यार वो I think वो बिना सोचे समझे था, वो हमने कल रात को idea आया और हमने कल रात को बनाया happy birthday वाला song। वैसे साथ सोचते समझते हैं नहीं गाना बनाने से पानी दा रंग साड़ी के लिए वो भी ऐसी हो गया था। लेकिन anyway रोचक आपसे पूछना चाहता हूँ कि what do you think about this song? What was the trigger behind this song? I think you were driving somewhere around Pune और there goes highway पे ये इसकी पहली लाइनें आई थी and then we took it forward and I think the arrangement of the song is very fresh, very urban and very euro, so the beats we've taken and you know the guitar pattern we've taken, zyada technical ho raha so basically it's a song for new lovers, also for old lovers, and for everybody who's in love, and I hope we remain you know making songs on love and on friendship. पिछले वाला फ्रेंडशिप ही था जो हैप्पी बर्थडे वाला तुमने गाया था। एनीवे थैंक यू सो मच रोचक। नाउ वी हैव रिया चक्रवर्ती हु इज द हीरी इन ओ हीरी। मैं ओ हूं ये हीरी है इन ओ हीरी।
प्लीज वेलकम रिया चक्रवर्ती द स्टार ऑफ द वीडियो. स्टार ऑफ द वीडियो तो तू है यार. वेरी बोर्ड यार. हैप्पी बर्थडे गा ले आयुष्मान के लिए एक बार. है ना सारे. मैं तो नहीं गा सकती, मेरी आवाज सुन लो. 3 2 1 हैप्पी बर्थडे टू यू. Happy birthday to you. Happy birthday dear Ayush. Happy birthday to you. Many videos for you. Many YouTube like you. Many followers to you on Twitter. Happy birthday to you. Yay. Don't offend Twitter followers, some of them are here. So yeah, Riya, tell us yes, something Ayushman. About working with me on the video. Working with Ayushman. Oh, working with Ayushman Khurrana. How do I explain this? He's such a star. नहीं यार तेरे को तू उधर देखना बताती हूँ. तेरी तारीफ तेरे सामने थोड़ी करूँ. Ayushman's really nice guy. बहुत मजा आया actually shoot करके. हम लोग एक दूसरे को पहले से जानते हैं तो बहुत comfort zone था. But it was a little difficult to do the serious love kind of scenes क्योंकि हम लोग को बहुत हंसी आती है. वी यूजली टेक ईच अदर्स केस, एक दूसरे का मजाक उड़ाते हैं. तो मतलब सीरियस एक्सप्रेशन और सीरियस डायलॉग्स बोलने में वी बोथ मेक फन ऑफ ईच अदर. अदरवाइज फन. वी हैव नो डायलॉग्स इन द वीडियो सो इट इज ऑल कूल. मतलब माइंड में डायलॉग्स बोलने पड़ते हैं व्हेन यू आर गिविंग एन एक्सप्रेशन. तो मैं आती नहीं है ये सब एक्टिंग वाली. अच्छा चलो एनीवे. हाँ तो गाना तो बहुत ही अच्छा है. लोग ने बहुत सुपर गाना बनाया. व्हेन आई हर्ड इट द फर्स्ट टाइम आई लाइक्ड इट. व्हेन आई हर्ड इट द सेकंड टाइम आई लाइक्ड इट बेटर. And I heard the third time, I completely fell in love with it. So, आपके साथ भी ऐसा ही होगा. अभी तीसरी बार सुनना बाकी है इसलिए. Sweet. Riya and I go back a long way, and Rochak and I go back the longest way. ये तो स्कूल से मेरे साथ है. Riya was with me as an anchor on a youth channel. So yeah, we've anchored together. Now we are together in the video. Now we're together in Yash Raj films as well. So yeah, it's a beautiful journey. We are going together. तो आयुष्मान आपको कैसे लगा ये गाने का पार्ट बनते हुए? You know, you're just in the video. And गाना तो मैंने गाया है. This is my song. Don't do this. Oh. Possessive all this song. I was waiting when the modesty will turn. Yeah. This is the true Ayushman. But this is his birthday gift to you guys. मतलब अपने बर्थडे पे कौन दूसरों को गिफ्ट देता है? तो उसके लिए तालियां यार. कितनी बड़ी बात कर रही हूँ. बहुत बड़ी बात है. Actually बहुत बड़ी बात है. Please close, sir. Come closer. Riya, close. Ayushman, here. Center. One more year, stay. Ashman, left corner here. Ashman. Straight. Ashman. Thank you. So yeah, now the floor is open for Q&A. क्या पूछना चाहते हैं आप लोग? हेलो एनीवन एनी क्वेश्चंस? हेलो हाय आयुष्मान. हाय सलमा. हाउ आर यू? हैप्पी बर्थडे. थैंक यू सो मच. बहुत अच्छे लग रहे हैं आप. Thank you so and much. Congratulations for this album. मुझे बताइए कि यही सॉन्ग आज के दिन आपने क्यों चूज किया कि यही सॉन्ग मैं आज अपने बर्थडे के दिन करूंगा? कुछ और सॉन्ग क्यों नहीं? Why this song? ये आज के दिन छुट्टी थी शूट से. और कोई रीजन नहीं था. नहीं तो मेरे लिए हर एक दिन एक बर्थडे के दिन जैसा होता है. मैं इतना पर्टिकुलर नहीं कि बर्थडे है आज का दिन बहुत स्पेशल है आज मुझे स्पेशल फील करना चाहिए ऐसा कुछ नहीं. आई थिंक एवरी डे इज सेम. एंड आज छुट्टी थी शूट से. मैं रेगुलरली शूट कर रहा हूँ 24/7. So that's why I think this day was the apt day. No, it's not day. It's why this song only. मतलब यही दिन इसलिए कि दोनों दिन साथ में आ रहे थे. Why this song? I think the song is very special. Unlike Pani Darang and Saadi Gali, there was a lot of catharsis behind Pani Darang and Saadi Gali. It was about heartbreaks. This one is a very happy romantic song, and it's a happy day, happy birthday. So I think fit together. Anyone else? Question?
Can't hear the question. I think love can be messy, yeah. Always messy. In fact, my love is right here on left side. Tyra is sitting right here. She's trying to hide, but yeah, there she is. So yeah, I think yeah, if you are in a long distance relationship or maybe if you are in a steady relationship, I think there is no fun without being messy. And that's part of life. It's all fun. This is like having too much of expectations here. The best part is that Panidharang and Sadigali, they were part of the narrative of the film. And it's easier to relate to the song when it's part of the film. And Panidharang and Sadigali, they became bigger hits after the release of Vicky Dona and Nautanki Sala respectively. But independent music is normally consumed online on digital space, and there is, it is not attached to a film, so it's not attached to a narrative. So it becomes difficult for an independent music, independent song to do well. But fortunately, our previous two songs, Panidharang and Sadigali, they were pretty, they did pretty well. They were chart busters. So we're hoping the same happens with this song. I think every song has a different space. Yeah. Aishman, here. This side. Yeah. Hi. Abira. Yes. How are you? Good. Happy birthday. Thank you so much. Tell me, did you have any messy moments with your wife? Love. You know, it's kind of a fetish when you get a little messy, of course. You saw the food fight in the video. So I think if you love for food and love for your love, I think they should both just mix together. Inspired and by amalgam is pretty cool. Inspired from real life, the food thing? Inspired from real life, the food thing? I didn't get you. The food video, the throwing food at each other, was it inspired? Yeah, you can do that. Of course you can do that. You can have the food fight. I think it's better than the sissy pillow fight. Anyone else? Just a sec. Hi Aishman, happy birthday first of all. Hi. तो कितने versions इस final version तक आने के लिए कितने versions बनाने पड़े? मत पूछिए कितने versions बनाने पड़े. ये रोचक से ही पूछो कितने versions बनाने पड़े. हमारे बीच में बहुत सारी लड़ाइयाँ भी हुई थी. रोचक, go for it यार. I think जितने भी versions हमने बनाए, अभी जो final version है, I think that's the best one. So we first of all, you know, पहले हमने एक scratch बनाया. उसके बाद हमको लगा कि because शायद ही इतना अच्छा नहीं लग रहा है, तो हमने उसका एक बहुत इंटरनेशनल वर्जन बनाया, EDM, इलेक्ट्रॉनिक डांस म्यूजिक, जिसमें हमने बहुत बीट्स डाले एंड यू नो बहुत रीमिक्स टाइप बना. देन जब वो गाना फाइनल बन चुका था, तब आयुष्मान ने मुझे बोला कि नहीं यार, ये आई थिंक दिस विल बी वेरी यू नो दिस विल बी हिट विद द यूथ, बट इतना मासी नहीं होगा. तो देन वी केम बैक टू दिस ओरिजिनल वर्जन एंड देन इसको पहले हमने फास्ट किया, फिर स्लो किया, तो अभी फाइनल जो आपको दिख रहा है ये है. एंड यस, देयर इज अ रीमिक्स दैट्स बीन मेड, और वो भी हम थोड़ी देर में रिलीज करेंगे. बेसिकली वी वांटेड टू कीप इट एज ऑर्गेनिक एज रियल एज रॉ एज पॉसिबल, सो दैट्स द साउंड ऑफ ओहिरिया. टोटल कितना टाइम लगा इन सबको बनाने में? टाइम एक महीने के आसपास लगा होगा, ऑलमोस्ट 1.5 months मे बी. आई वाज ड्राइविंग डाउन टू पुणे एक्सप्रेसवे, वहां मेरे को मुखड़ा याद में दिमाग में आया, देन आई where it came to Rochak and usne antara banaya, fir humne last antara ikatthe baithkar banaya, so I think it's a beautiful song. Hi Aishman. Hi. Many many happenings of the day. Thank you so much. Humne video to dekh liya hai, but ek request hai, can we see it live? That'll happen very soon. That's part of the plan. Okay. Abhi hoga. Last question. Hi Aishman, you're looking great. Thanks man, thank you so much. And really congratulations for just bringing up such a great album. Thanks. So which thing is much more closer to you, acting or singing? Because I think acting is more closer to me. I think both singing and acting, of course, but acting is easier, comes more naturally to me. I think acting has no set of rules, music has rules, so it's more difficult. And exactly, and you have just brought back that era of olden days of in Bollywood when actors used to sing as well as act also. So I think, what do you have to say about that? I think it's great. The best part is I'm getting the right opportunity to perform, to act, to sing. And it just adds more credibility to the artist if you're lending your own voice to the character. But in this one, there's no character. I'm just playing myself in the video. And I think I'm just fortunate that I'm getting the opportunity.
But having said that, I still believe I'm more of an actor than a singer. Achha, who is that another actor in Bollywood, singer in Bollywood, whom you will say, whom you are inspired with? I think everybody's inspired by Kishorda and then Mohammed Rafi Saab. So yeah, Kishorda primarily. Thank you. Thank you so much. Okay, last question. Hi, Ayushman, ठीक, your left and behind. Yeah. Left and behind. आयुष्मान, जैसा कि आपके दोस्तों ने कहा कि छोटे बच्चे थे, सुसु पोटी करते थे, मतलब ये तो कंपलसरी, और क्या क्या करते थे कुछ याद आता है आज के वही एक पार्ट था, मैं चाहता था इग्नोर हो जाए पर आपने जी, बिल्कुल, क्या और क्या प्रश्न क्या आपका और क्या क्या करते थे मतलब कुछ याद आता है आज के दिन? आई थिंक वही जो हर बच्चा करते हम भी करते थे, जो शरारते हर बच्चा करते हम भी करते थे, कुछ अलग नहीं थे बस। हाँ, हमने थिएटर करना थोड़ा जल्दी शुरू कर दिया था रोचक, और मैंने आगाज और मंच तंत्र जो थिएटर ग्रुप है चंडीगढ़ में वो बनाए थे। हम एक साथ म्यूजिक कंपोज करते थे, प्लेस बनाते थे, काफी मस्ती करते थे। आशुन, ये जानना चाहेंगे आपकी पहली ओ हीरिये कौन थी? पहली और आखिरी ओ हीरिये ताहिरा ही है, फर्स्ट एंड द लास्ट गर्लफ्रेंड दैट इज। दैट्स इट। ओके गाइस, वी विल मूव ऑन विद द इवेंट, देयर विल बी वन ऑन वन्स लेटर। ओके, वन लास्ट क्वेश्चन। या अंजलि, गो फॉर इट। Happy birthday. Thank you so much. So when are you going Pune again for a new song? Pune se kuch taluk nahi hai, just the long drive. I think you can just maybe get creative, or maybe you can create anything anywhere. And the trigger can just happen anywhere. And Pani Darang and Sadigali, they happened in Chandigarh. And I think Kasauli maybe, Kasauli and Chandigarh. And this one happened in Pune. Toh ek jagah ke saath koi aisa lagav nahi hai. जस्ट दैट कभी भी कहीं भी आपको कुछ आइडिया दिमाग में आ सकता है। कुछ लोगों को शावर के नीचे आता है, कुछ लोगों को ड्राइव करते हुए आता है। सो आई थिंक यू कैन जस्ट क्रिएट समथिंग एनीवेयर। थैंक यू। आई विल बी गोइंग टू पूना वेरी सून। यू स्टे इन पूना? नो। नो, तो क्यों पूछ रहे हो? डेढ़ महीने के बाद नहीं, अगले साल अब आएगा, फिल्म के अंदर ही आएगा किसी। सूनर एज पॉसिबल। लेट्स सी, लेट्स होप फॉर द बेस्ट। या लास्ट क्वेश्चन। या The other day I was reading your interview, you had said that आपने ताहिरा को 12th board exams के chemistry paper के पहले propose किया, उसके बाद आप chemistry paper में pass हुए कि fail? Pass हो गया था, pass हो गया था। In fact, it's quite difficult when you know in the early phase of your relationship and board exams are happening, it becomes a little crazy. But yeah, I passed the exams. And you passed? I almost got through a nondescript medical college, dental college in Haryana. Yes. That's it. Thanks. Thank you. So, I think, yeah, my Twitter followers are here, and they are the ones who've been selected as Hiriyes of O Hiriye. And there are 10, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 Hiriyes. And we would like to dedicate this song to them, O Hiriye, Unplugged with Rochak Kohli. Let's go for it. By the way, thank you so much for being here, especially the Hiriyes. Iska level thoda kam rakhna. Can you give me a sound? This is for backing vocals. That's for main vocals. For guitars. Okay, this is the part which is not in the video, but part of the whole song. Yeah, may I request all the Hiriyes to just stand here. This gives me more encouragement. Sorry, Tahira. Okay, let's go for it. Hiriye, udhi se tuta hai, aina jhuta hai, aara.
बंदगी बंदगी उड़ी एको ये जिंदगी मुड़ी खुद ही से टूटा है आईना झूठा है यारा बंदगी बंदगी उड़ी देखो ये जिंदगी तेरा ही सजदा करा ओ हीरिये तेनु ले जाना है कल तू मन च बसा नहीं जीना मैं तेरे बिन हुण तां क्यों दिंदी तू है सजा ओ हीरिये तेनु ले जाना है कल तू मन च बसा Thank you so much. And let's call all the heroes on stage. Come, come. This one was for you. Come, come, come. From this side. Your applause. Hero number one, hero number two. Thank you so much. You are Surbhi. Surbhi. Ritika. Daksha. Daksha. That's Anjali Tolani. Thank you so much. Pooja. Yaar. Happy birthday. Thank you so much. What's your name? Ananya. Itna time kyun lagaya sochne mein? Thank you so much. Thank you so much. Thanks Ananya and Snehal. Thank you so much. Akanksha. Thank you so much. Simran. Patika. Hi Patika. Give it up for all these heroes, lovely heroes, 10 of them, ladies and gentlemen. Thank you so much for being here. And this song was only for you, trust me. And thank you so much for participating. Dando mate, sorry. Thank you so much, all the heroes. And, okay. This is a birthday cake. Happy birthday to you. Happy birthday.
आप भी आ साथ में वेरी गुड केक लाओ देख थोड़ा सा हल्का सा लगा जोर से लगा आयुष्मान भाई और उसने पहली दो लाइनें सोची और वो यू नो जब भी कुछ सोचता है वो जब भी कुछ लाइनें आती मेरे दिमाग में उसके दिमाग में हम एक दूसरे शेयर करते हैं शेयर द लाइंस विद मी एंड देन यू नो वी केम अप विद अ स्क्रैच एंड मैंने उस गाने का अंत लिखे और आगे किया एंड देन फाइनली गाना बना एंड गाना यशराज को हमने पिच किया बिकॉज आयुष्मान यशराज एंड आई थिंक जब इस गाने के वीडियो में जब फीमेल लीड की सोचा हमने तो रिया वाज़ द फर्स्ट चॉइस एंड आई थिंक दैट वाज़ फाइनल रिया आप कैसे नहीं उस टाइम पे जो मैं आपको नहीं बता सकती थी वो ये था कि मेरी फिल्म आ रही है सोनाली केबल जो मोस्ट प्रॉब्ली जैम थर्ड को रिलीज होगी और अभी तो वीडियो भी आ गया तो वो वीडियो इतना सीक्रेट नहीं था तब एक्चुअली फाइनलाइज हुआ भी नहीं था वीडियो तो अभी मुझे पता चला और अभी रिलीज हुआ है तो ऐसी कोई सीक्रेट बातें अब रही नहीं अब आपको सब पता है बहुत सारे मार्केट में बहुत सारे ऑलरेडी गाने हैं बहुत सारे सो वी डोंट वांट टू क्राउड द ऑडियंस अभी एल्बम अगर होती है तो 5-6 एंड देन यू नो एक साथ बहुत सारी बम्बार्डिंग हो जाती है तो हम चाहते हैं कि हमारा म्यूजिक धीरे धीरे करके रिलीज करें और थोड़ा टाइम मिले एक तो इस गाने में स्पेशली हमने कोई ऐसा वर्ड रखा नहीं जैसे पिछले दो गानों में हंजू एंड होंका ऐसे वर्ड्स थे तो लोग सोचते रहते थे कि यू नो इसका क्या मतलब है और यू नो इस वीडियो में हमने या इस गाने में हमने स्पेशली इस बात का ध्यान रखा है कि जो वर्ड्स हों लिरिक्स हों बहुत सिंपल हों और एक आम आदमी को समझ आए एंड इसमें हिंदी हमने इंट्रोड्यूस किया है एंड वाई पंजाबी इज बिकॉज पंजाबी इज क्लोजर टू आवर हार्ट्स एंड दिस इज हाउ वी थिंक आवर म्यूजिक सो दैट्स वाई वो ओरिजिनली अपने आप ही पंजाबी में कंपोज होता है अंशमा ने कहा कि वो एक साल और लगाएंगे एक और सिंगल लाने के लिए इतना लंबा समय आई थिंक नेक्स्ट अभी आयुष्मान की फिल्म का ही गाना आएगा एंड उसके बीच में अगर उसको वक्त मिलता है तो भी कम अपने सिंगल रिया सेकंड इज योर सोनाली केबल आई गेस राइट उस फिल्म के बारे में कुछ बताइए आपके किरदार के बारे में कुछ बताइए देखिए सोनाली केबल के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं बता सकती बट आई कैन टेल यू दैट ये कहानी है आई मीन जैसे सोनाली केबल इट्स अ फीमेल ओरिएंटेड फिल्म एक लड़की है वर्ली विलेज में अपना केबल सेंटर चलाती है और बहुत इंटरेस्टिंग स्क्रिप्ट है बहुत इंटरेस्टिंग फिल्म है और बहुत इंटरेस्टिंग लोग हैं इस फिल्म में गाने अच्छे आगे नहीं बता सकती वैसे मुझे डांट पड़ जाएगी आपके अपोजिट कौन है
पता नहीं बता सकते कि नहीं, आई डोंट नो इफ आई कैन टॉक अबाउट इट. इसके अलावा कुछ और प्रोजेक्ट्स हैं? अभी कुछ कर रही हूँ, लेकिन एज आई सेड न्यू कमर्स को ज़्यादा परमिशन मिलती नहीं है बॉलीवुड में अपनी प्रोजेक्ट्स के बारे में बात करने की, तो जब प्रोड्यूसर्स बता देंगे आपको पता चल जाएगा. वैसे भी आपको तो सब कुछ हमसे पहले पता चल ही जाता है. वीजिंग जारी रहेगी आपकी? काश कर सकती है, अभी टाइम नहीं है, बट जब भी वक्त मिलेगा तो डेफिनेटली आई लव टू बी एट दी एमटीवी स्टूडियोज अगेन. मतलब आपसे बोल रहे हैं मैं तो आप मेरी आवाज सुनी आपने. Okay, so Ayushmann sings this you know, song the best, and of course all the songs. So बुला रहे थे उसको, रुक रुक रुक. Ayushmann, आ जा यार, they want you to sing the song. यहीं से आ जा, come fast. बीच में center पर तो सुनो. हाँ, बीच में. यहीं से आ जा, center पे आ जा. सब लोगों को बोल दे. So it'll be unfair अगर मैं गाऊँ. Singer के सामने ऐसे. आपको अगर मैं ज़्यादा पसंद आ गया तो. आप ही एक सिंगर निकाल लीजिए. सबसे पहले तो जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं आपको. हैप्पी बर्थडे. आयुष्मान, सबसे पहला विश किसने किया? एक सेकंड, पहला सवाल, पहला सवाल, सबसे पहला विश आज के दिन किसने किया आपको? शायद इन्होंने किया. से पहला विषय ही करती हूँ पिछले 12 साल से. ओके, या ऐसा कुछ नहीं है, बहुत लोगों का विश आता है. बर्थडे वाले दिन ऐसा होता है, ऐसा लगता है आपकी शादी है और बहुत लोग कॉल कर रहे हैं कि पंडाल ठीक नहीं लगा, ये नहीं आया, वो नहीं आया, तो टेंशन में आ जाता हूँ कि ये मेरे साथ आज क्यों हो रहा है ऐसा. सबसे ज़्यादा कम स्पेस आपको आपके बर्थडे वाले दिन मिलती है. सो या इट्स ऑल कूल, सारे विश कर रहे हैं, अच्छा लग रहा है. यही गिफ्ट जो हुई रही है वही मेरा गिफ्ट था लोगों के लिए. आज कोई गिफ्ट नहीं मिला मुझे. एंड सिंस शी इज इन बॉम्बे राइट नाउ, दैट्स व्हाई इट्स अ बिग गिफ्ट टू मी बिकॉज़ शी स्टेज इन चंडीगढ़ जनरली. और ये बहुत बड़ा गिफ्ट है कि यहाँ पे मेरे साथ. सो तारा जी, कुछ बड़े प्लान भी आज रखा हुआ है आपने आयुष्मान के लिए आज की रात के साथ? इतना बड़ा शो हो गया, मैं क्या ऑर्गेनाइज करूं? मुझे इतना डर लग रहा है माइक्स वगैरह, आई एम नॉट यूज्ड टू दिस एट ऑल. आयुष्मान, व्हाई डोंट यू सिंग टू लाइंस फॉर योर वाइफ? Abira, you're so romantic. Come on, come on. Okay. Oh, hiriye tenu leh jana hai, gal tu man ch vasa, nahi jeena tere bina, sanu de na saza. How do you deal with it, Riya? आपसे जानना चाहूँगी क्या कुछ केमिस्ट्री एग्जाम से पहले? ये सिर्फ स्क्रीन पे रोमांटिक है, असली में ऐसा कुछ नहीं है. शिकायत हो रही है? नो, ही इज आई थिंक बियॉन्ड द स्क्रीन, ही इज अ रियल पर्सन. आई डोंट थिंक रियलिटी में ऐसे कोई गाता फिरता है और ऐसे गाने अपने हीरे के लिए गाता है. सो ही इज अ वेरी रियल पर्सन एंड आई एम इन लव विद द रियल हिम. सो आई एम हैप्पी ही इज नॉट ओवर द टॉप रोमांटिक. तो आपके लिए पहला गाना कौन सा गाया था आपको याद होगा? मेरे लिए अभी तक कोई गाना नहीं गाया. गाना में कुछ नहीं प्रपोज करने के लिए हमने तुमसे प्यार किया कितना गाया था? हाँ, अच्छा, मैं सिर्फ कंपोज करने की बात कर रही हूँ. नहीं, आई एम स्टिल वेटिंग फॉर माय सॉन्ग दैट ही कंपोजेस, वन स्पेशल वन फॉर मी. बट जैसे उन्होंने बहुत गाने गाए हैं, बहुत ड्राइव्स पे गए हैं. It wasn't for me, Rochak, unfortunately. प्लान किया आपने सेलिब्रेशन के लिए कुछ सरप्राइज पार्टी? हाँ, वील हैव अ स्मॉल गेट टुगेदर. हम दोनों आर नॉट मच इन टू क्लबिंग एंड सोशल लाइफ. यही माई फैमिली, द फ्रेंड्स दैट यू जस्ट सॉ. बियॉन्ड दिस, इसके बाद हम जाएंगे अपना मस्ती करेंगे, टैबू खेलेंगे. एक सॉन्ग, मतलब आपने पूरा एल्बम क्यों नहीं? पूरा एल्बम क्यों नहीं सोचा? क्योंकि टाइम थोड़ा कम था. काफ़ी लोग बोल रहे थे कि पानी दरंग और साड़ी गली के बाद अब आगे क्या होने वाला, तो हमने फिर सोचा कि यार उससे पहले सिंगल दे सकते हैं. मैंने रोचक नहीं सोचा. और एल्बम इसलिए नहीं क्योंकि मैं फिल्म की शूट के साथ बिजी हूँ, रोचक अपने काम के साथ बिजी है, तो हम एक गाना तो कंपोज कर ही सकते थे एक साथ. कॉन्सर्ट वगैरह कुछ टाइम कर रहे हैं प्रमोट करें? अगर फिल्म शूट से टाइम मिलेगा तो हम कॉन्सर्ट में जरूर जाएंगे, ये प्लान है वैसे. कितना अलग है ये गाना और इससे पहले? काफ़ी अलग है. साड़ी गली और पानी दरंग में काफ़ी कथार्सिस है, थोड़ा इमोशनल गाने हैं, वो काफ़ी हार्ट ब्रेक से रिलेटेड है. ये वाला गाना दिस इज अ वेरी हैप्पी रोमांटिक सॉन्ग. आपको कौन कौन सा पसंद आता है? Sare, I'm very fond of his choice of music, the way he composes, the way he sings. And Panda, because it was his first composition along with Rochak, so I think it's very special for all of us because it was the first thing. But I'm sure there's miles to go and aur bhi achhe gaane gaayenge.
चाहेंगे आप पानी का शो? If you get a chance to host a show, reality show like other shows are coming. I've been hosting reality shows. It's just that since I've gone into films now, अगर टाइम मिलेगा अगर अच्छा रियलिटी शो आएगा जिसमें ज़्यादा स्कोप होगा एज एन एंकर मुझे ग्रो करने का तो डेफिनेटली. Which one is your favorite right now? I love KBC. I think I'm Amitabh Bachchan fan. Last question is upcoming projects. अभी यशराज की फिल्म कंप्लीट की है सोनम कपूर और ऋषि कपूर के साथ और वो नेक्स्ट रिलीज होगी और बायोपिक मैं कर रहा हूँ जहाँ पे महाराष्ट्र प्ले कर रहा हूँ. दैट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग. ज़्यादा रिवील नहीं कर सकता उस फिल्म के बारे में. एक सवाल है जैसे कि जिस प्लेटफॉर्म पे आज आप हैं एक्टर हैं सिंगर हैं सो जितने भी कंटेम्प्रेरी एक्टर हैं आपके साथ के चाहे वो अर्जुन कपूर हों या वरुण धवन जो कुछ भी तो कुछ कॉम्पिटिशन रखते हैं आप कि इनके साथ में कुछ आगे बढ़ने की? पहले भी थे अब भी आएंगे और आगे जाके 10,000 और आएंगे. सोचता रहूँगा तो फिर अपना काम ही नहीं कर पाऊंगा. बट आई थिंक आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ कि एक नीच मैंने क्रिएट किया अपने लिए एक सिंगर एक्टर का. I don't think this is a competition. Okay, thank you. मैं और रोचक गाएंगे. रोचक की वाइफ पे ब्लॉग है सुकृति का. आई थिंक हम सारे मिलके फैमिली सॉन्ग गा लेते ना एक. अच्छा मेरी सुकृति जल्दी तायरा जी कैसे देखती हैं आज आयुष्मान खुराना को? जैसे कि जैसे मतलब दिन पे दिन ऊंचाइयों पर जाते जा रहे हैं एक्टर हैं सिंगर अच्छी अच्छी फिल्में बना रहे हैं तो कुछ प्यार और बढ़ गया आपके उनके लिए आयुष्मान खुराना के लिए? My love for him is irrespective of his success and failure. It doesn't depend on how high or how low he was. It's irrespective. यार अगर मैं कुछ भी नहीं करता तब भी. Please अभी गाना गा लो. अरे पीछे गाना गा रहा है. Love story. Danger man. That's my wife Sukriti. हाँ Sukriti is also here. अब हम family मिलके गाना गाएंगे. पानी गा रहे हैं. गरम गाने वाले हैं. Okay. Sukriti और रोचक Sukriti और तायरा ने पानी दारा पिछले 12 साल से सुन रही हैं. पक गए हैं पानी से लेकिन अभी उसका फेवरेट सॉन्ग है. पानी दा रंग देख के पानी दा रंग देख के अखियां चो हंजूर उड़दे माहिया न आया मेरा माहिया न आया माहिया ना आया मेरा माहिया ना आया रांझणा ना आया मेरा माहिया ना आया माहिया ना आया मेरा रांझणा ना आया खाना नूर देख के अखियां चो हंजूर उड़ दे. थैंक यू गाइस. थैंक यू थैंक यू. चलो हम लोगों ने गाया.